25-30 सालों से मैं गुड़गांव की एक एक गली से वाकिफ हूँ। ये दोनों मेरे पैर कोई ऐसी गली गुड़गांव के नहीं है जिसमें नहीं पड़े हूँ। मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि मैं जो फ़ोन करता हूँ अधिकारियों को या जो मैं निवेदन करता हूँ उस पर संपूर्ण काम होता है लोगों के आशीर्वाद से। पार्टी भी मेरे विषय में सोचेगी, रब की बार ज्यादा ध्यान मेरी पार्टी का मेरी तरफ है। हरियाणा में होने वाली विधानसभा में लगभग 80 से 90 दिन शेष बचे हैं। सभी दावेदार अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए अपने अपने विधानसभा के अलग अलग इलाकों में जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता जीएल शर्मा आज गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार में जनसभा की। उन्होंने जनसभा में लोगों से समर्थन की मांग की और गुरुग्राम की समस्याओं से निजात दिलाने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि पिछले 25 से 30 सालों से मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं और अभी लोगों का खूब प्यार और समर्थन मिल रहा है। अब तक मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, केवल पार्टी के लिए निस्वार्थ काम करता रहा। अब की बार पार्टी मेरे बारे में जरूर सोचेगी। भ्रष्टाचार में लिप्त गुरुग्राम के अफसरों को गुरुग्राम में पैर टिकाने की एक इंच जगह नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं और मेरी ईमानदारी से गुरुग्राम में भ्रष्टाचार खत्म होगा। गौरतलब है कि गुरुग्राम के विकास की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। गुरुग्राम के लोग सीवर, बिजली, सड़क और जलजमाव जैसी समस्याओं से परेशान हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह चुनाव इन समस्याओं का समाधान लेकर आएगा। सर, आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, हर जगह लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस प्रकार से लोगों का आपको समर्थन मिलता नजर आ रहा है? भारी संख्या में हमारे बड़े भाई, हमारे छोटे भाई, हमारे चाचा ताऊ, हमारी बहनें और हमारे युवा, सब प्रकार के लोगों का स्नेह प्यार मेरे साथ इसलिए है कि पिछले विगत 25-30 सालों से मैं गुड़गांव की एक एक गली से वाकिफ हूँ। ये दोनों मेरे पैर कोई ऐसी गली गुड़गांव के नहीं है जिसमें नहीं पड़े हों। लगभग लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। 25-30 साल से की सेवा कम नहीं होती है और ये सेवा जो अब मैंने अपना लोगो ये बनाया है, सेवा ही संकल्प, मतलब सेवा करने का ही संकल्प अपना है। और जो ये सेवा मैंने लोगों की है, लोगों के लिए काम किए हैं, वो आज मुझे उसका क्योंकि आज तक मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने कभी लोकसभा की टिकट मांगी तो पार्टी उम्मीदवारों की टिकट मांगी, विधानसभा की मांगी पार्टी उम्मीदवारों की मांगी। दो बार मैंने प्रयास किया, मुझे टिकट मिले, मेरे को नहीं देखे, मेरे दूसरे कार्यकर्ता साथियों को दे दिए, उनको जिताने का काम किया। अभी तक अपने लिए कुछ नहीं किया, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है। पहली बार जनता के बीच में आकर के जन समर्थन के माध्यम से लोग, अब मैं जाता हूँ तो कुछ मेरे काम कुछ किए हुए काम गिनाते, मुझे ध्यान भी नहीं है, भाई साहब आपने ये कराया था, भाई साहब आपने वो किया था। अभी मैं सागर एन्क्लेव गया था तो वो कह रहे थे जी ये पानी का कनेक्शन आपने कराया था हमारी कॉलोनी के लिए, जब हम गए तो आपने वो फ़ोन किया था और वहाँ पर हम खड़े थे तो अधिकारी ने तुरंत साइन करके वो हमारी कॉलोनी अप्रूव होगी। इस तरह से बहुत से ऐसे काम जो लोग मेरे पास आते रहते हैं, लगभग घर पे भी और कार्यालयों में भी 50 से 50, 60 व्यक्तियों की एवरेज है, प्रतिदिन आते, सबका फ़ोन करता हूँ, सबके लिए काम करता हूँ, कोई भावना दुर्भावना नहीं है, सबके लिए अच्छी भावना है, ईमानदार हूँ ऐसा लोग मानते हैं, मैं भी हूँ। मैंने सिद्ध करके दिया, डेयरी फेडरेशन का चेयरमैन था, घाटे की संस्था को 42 करोड़ के लाभ में लाना कोई ऐसे नहीं होता है। तो मैं अपने आप में एक ईमानदार, सच्चरित्र और अच्छा आदमी, जो एक अच्छे आदमी में गुण होने चाहिए, अच्छी पॉलिटिशियन में गुण होने चाहिए, हाथ का सच्चा, जबान का सच्चा, लंगोट का सच्चा, वो मेरे अंदर है। और ऐसा लोग भी मुझे जो जानते हैं उनको सबको बताया कि शरीफ, अच्छा, सच्चा, ईमानदार सा इंसान है, हमारे लिए काम करने वाला, इसलिए मुझे जन समर्थन भारी संख्या में मिल रहा है। और लोगों के दुआओं से, लोगों के आशीर्वाद से पार्टी भी मेरे विषय में सोचेगी, रब की बार ज़्यादा ध्यान मेरी पार्टी का मेरी तरफ है, ऐसा मैं मान के चल। सर, गुरुग्राम में जो समस्याएं हैं वो जग जाहिर हैं, तो ये अफसरशाही का नतीजा है और उन पर क्या आप गुरुग्राम को सोमनाथ का मंदिर समझा गया है, ये आपको ध्यान नहीं है, पर कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे, ये गुरुग्राम में नगर निगम बने, गुरुग्राम में GMDA बने, ये आवाज़ शुरुआत में गुड़गांव में मैंने उठाई थी और फिर मैंने अपने साथ में अपने बड़े नेता को रविंद्र जीत सिंह को जोड़ा था और हम लोगों ने संघर्ष किया था। आपको पता हो पहले तीनों मेयर भी मैंने ही बनवाए थे और उनका आशीर्वाद लेकर के बनवाए थे। इसी प्रकार से नगर निगम बन गया, GMDA बन गया, पर जो लोगों की अपेक्षा थी वैसा नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। सोमनाथ का मंदिर बना मान लिया गया और नगर निगम में तो भगवान मालिक हो रहा है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि मैं जो फ़ोन करता हूँ अधिकारियों को
या जो मैं निवेदन करता हूँ उस पर संपूर्ण काम होता है। और वर्तमान व्यवस्था में जो पॉलिटिक्स में राजनीतिक क्षेत्र में जो बड़े नेता हैं उनके कहने से काम क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। परंतु आने वाला समाज सुखद होगा। कुछ हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री अब नायब सैनी जी बने हैं, हमारे सुधार करने में अति सुधार हो गया, उन चीज़ों को अब थोड़ा ठीक कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी करने में लगे हैं, चाहे वो कूड़े की समस्या थी उसका निस्तारण हो रहा है, सीवर और फ्लो की समस्या है, पानी की समस्या है, सिविल हॉस्पिटल के लिए कल माननीय कमल गुप्ता जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री होके गए, ऐसे परिवहन मंत्री बस अड्डे पे होके गए, तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम हैं जिनके लिए अब सरकार बड़ी तत्परता से लगी। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में गुड़गांव के लिए जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनसे पीछा छूटेगा, और ये सोमनाथ का मंदिर को लूटने वाले जो लोग हैं इन पर आने वाले समय में हम कार्रवाई करेंगे। तो लोग खुद को आश्वस्त समझें कि जीएल शर्मा अगर आते हैं विधायक बन के तो वो अधिकारियों पर लगाम लगा पाएंगे। ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के एक बात की शपथ और गारंटी लेता हूँ कि अगर मेरे को मेरी पार्टी ने अवसर दिया और लोगों ने मुझे विधायक बनाया, गुड़गांव में जो भ्रष्टाचार करने वाला है उसको गुड़गांव में एक इंच जगह पैर टेकने की नहीं मिलेगी। उसको वो उसका हाल होगा जो वो सोच भी नहीं सकता। सरकार के पास बड़ी ताकत होती है, पावर होती है, जनप्रतिनिधि के पास ताकत होती है, वो उस ताकत का इस्तेमाल करके उसको सीधा कर सकता है। परंतु उसके लिए ज़रूरी चीज़ जब मैं ईमानदार हूँगा तो अगला मेरी बात को मानेगा या वो ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं ही अगर मान लो लिप्त हो गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मुझे संपूर्ण विश्वास है, मैं अपने ऊपर भगवान पे विश्वास करता हूँ कि मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ और मेरी ईमानदारी से गुड़गांव में भ्रष्टाचार समाप्त होगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जीएल शर्मा जी को। जैसा कि उन्होंने कहा कि पूरे गुड़गांव का जो हाल है उसमें अफसरशाही की वजह से कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती जा रही है यहां के विकास में, और अगर वो जीत कर आते हैं तो इस पर लगाम लगाएंगे, जो भी अधिकारी हैं उस पर नकेल कसने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन गोल्डी के साथ आदर्शा, द ग्राउंड न्यूज़, गुरुग्राम।